भारतीय जनता पार्टी। किशोर कानानी कुमार धारा सभ्य श्री 161 वराछा रोड सूरत गुजरात। श्री कुमार भाई कानानी भारत देश के गुजरात राज्य में सूरत शहर के एक ऐसे नेता हैं जिनके हरेक समाजोपयोगी कार्यों को हम कभी भुला नहीं सकते। उनकी दूरंदेशी और राष्ट्र प्रेम हमें प्रेरणा देते हैं। भाजपा की मूल विचारधारा के अनुसार आम जनता की छोटी छोटी समस्याओं को स्थायी रूप से निपटाने के लिए, सरकारी व्यवस्था के खिलाफ लाल आंख करने के लिए, उनके साथ भिड़ जाने के लिए और आक्रामकता से निवेदन देने के लिए कुमार कानानी जाने जाते हैं। इसी वजह से हम उन्हें गर्व से अपना लोक नेता यानी कुमार कानानी के नाम से बुलाते हैं। श्री किशोर कानानी का जन्म जिला अमरेली तालुका सावर कुंडला के एक छोटे से गांव जूना सावर में 1 दिसंबर 1962 के रोज हुआ था। राजकीय क्षेत्र में आने से पहले वे कपड़ा और हीरा के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। सन 1987 में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर वह भाजपा में जुड़े। सन 1992 के सूरत महानगर पालिका के चुनाव में नगर सेवक का टिकट मिला जो चुनाव अनिवार्य कारणों से रद्द हुआ। सन 1995 से 1998 तक वार्ड नंबर 26 के प्रमुख रहे और लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में मुख्य कन्वीनर की जिम्मेदारी निभाई। सन 2000 से 2005 तक वे सूरत नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के सदस्य के पद पर रहे। सन 2005 से 2010 तक वे सूरत महानगर पालिका के नगर सेवक बने और सूरत महानगर पालिका स्थायी समिति के सदस्य की जिम्मेदारी निभाई। सन 2008 से 2010 तक उप महापौर यानी डेप्यूटी मेयर की जिम्मेदारी निभाई। सन 2010 से 2015 तक दूसरी बार सूरत महानगर पालिका के नगर सेवक बने। इसी दौरान सन 2012 में उन्होंने गुजरात राज्य के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और सूरत शहर के वराछा रोड विस्तार के विधायक बने। किशोर कानानी एक कार्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं दूरदृष्टा प्रजा सेवक के रूप में जाने जाते हैं। हर हमेशा जनता के बीच में रहना, जनता से जुड़ी हुई समस्या पर सीधा अभिप्राय देना, जो जनता के हित में हो वही निर्णय लेना और आम जनता की समस्याओं का त्वरित निवारण करना, यही बात हमें श्री किशोर कानानी की कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली दिखाती है। किशोर कानानी ने हमेशा विकास को ही अपना लक्ष्य माना है और उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। किशोर कानानी के द्वारा हमेशा से लोक कल्याण और लोक हित के कार्यों के अनेक कार्यक्रमों का सुनियोजित आयोजन किया जाता है जिसका लाभ बहुत सारे लोगों को मिला है और मिलता रहेगा। लोक संपर्क कार्यालय साथी। भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा के मुताबिक हमेशा आम जनता के बीच में रहना और उनकी हरेक छोटी बड़ी समस्या के दर्द को जड़ मूल से दूर करना, उस बात पे कुमार कानानी सही मायने में खरे उतरे हैं। क्योंकि जैसे ही विधायक का चुनाव जीता कि फौरन वराछा रोड विस्तार में उन्होंने साथी लोक संपर्क कार्यालय की शुरुआत की, जहां पर आम जनता उनको प्रत्यक्ष मिलकर उनकी छोटी बड़ी समस्या से अवगत करा सके और राज्य सरकार की विभिन्न योजना की जानकारी और लाभ आसानी से ले सके। जनसंपर्क यात्रा। आज तक हमने देखा और सुना भी है कि राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, किसी को मिलते नहीं हैं। जब चुनाव आता है तब ही दिखाई देते हैं। ऐसी मान्यता लोगों के दिमाग में थी और उसे सही मायने में दूर करने के लिए चुनाव में लोगों को वादा किया कि जैसे आज मैं आपके पास वोट मांगने आया हूं, उसी तरह
हर साल में एक बार आपके पास आपकी समस्या जानने और सुनने के लिए मैं प्रत्यक्ष आऊंगा। चुनाव में किया हुआ वादा निभाने के लिए पहले साल में जनसंपर्क यात्रा के रूप सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर कुमार कानानी अपने मत क्षेत्र की सोसाइटियां और अपार्टमेंटों में सभी मतदारों के पास गए और उनको प्रत्यक्ष मिलकर उनके प्रश्नों समस्याओं को सुना और एक फॉर्म दिया, जिस फॉर्म में लोगों ने अपनी समस्याएं और प्रश्न लिखकर दिए। उन सभी समस्याओं का स्थायी रूप से निराकरण भी किया। ऐसा सुनियोजित प्रयोग पूरे देश में शायद ही पहली बार किसी विधायक के द्वारा किया गया हो। अपने आप में यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। जनसंवाद यात्रा। जनसंपर्क यात्रा की सफलता के बाद दूसरे साल के अंत में जनसंवाद यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के दौरान किशोर कानानी ने अपने मत क्षेत्र के सभी मतदाताओं के घर घर जाकर उनको प्रत्यक्ष मिलकर उनका आभार व्यक्त किया और उनकी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझावों को सुना। साथ साथ राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य लक्षी योजनाएं जैसे कि मुख्यमंत्री वात्सल्य कार्ड, मुख्यमंत्री राहत फंड, शाला स्वास्थ्य निरीक्षण कार्यक्रम और दूसरी योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है, उसकी संपूर्ण जानकारी की एक पुस्तिका बनाकर लोगों में बांटी गई, जिसके तहत कई सारे लोगों को उनका लाभ मिला। सरकारी जमीन यानी यूएलसी पर बने रिहायशी आवासों के मालिकों को उनका मालिकी हक देने की योजना। गुजरात राज्य के शहरी विस्तारों में राज्य सरकार के शहरी जमीन टोच मर्यादा कानून 1976 के अधीन जो जमीन सरकार ने हस्तगत कर ली थी, उस जमीन पर अवैध रूप से बने रिहायशी मकानों को गरीब और मध्यम वर्गीय आम जनता ने कानून की जानकारी न होने की वजह से जो मकान अपने पसीने की कमाई से खरीदा था, उस आम जनता को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जब ऐसी इमारतों को दूर करने का निर्णय सूरत कलेक्टर श्री के द्वारा लिया गया, तब श्री कुमार भाई कानानी ने कलेक्टर श्री को पत्र लिखकर अवगत किया कि अभी के अभी इस कार्यवाही को रोका जाए, वरना आम जनता उग्र आंदोलन करेगी, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे उनके आंदोलन में साथ देकर उनके साथ रहना पड़ेगा। और फौरन माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी साहब और माननीय महसूल मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी को पत्र लिखकर आम जनता को हो रही परेशानियों से अवगत कराया था। उसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी साहब और माननीय महसूल मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी ने फौरन कानून में बदलाव लाकर राज्य के सभी महानगरों में शहरी जमीन टोच मर्यादा कानून 1976 के अधीन सरकार द्वारा हस्तगत की गई जमीन पर अवैध रूप से बनी रिहायशी इमारतों को वैध करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। खानगी जमीन मालिकों की जमीन पर अवैध तरीके से बने रिहायशी और औद्योगिक बांधकामों को वैध करके उनके मालिकों को मालिकी हक देने की योजना। वराछा विस्तार में हजारों की तादाद में ऐसी कई रिहायशी और औद्योगिक सोसाइटियां और अपार्टमेंट्स हैं जो खानगी जमीन मालिकों की जमीन पर सरकारी प्रशासन की मंजूरी के बिना अवैध तरीके से बने हैं, जिसकी वजह से उन सब लोगों के पास अपने मकान के दस्तावेजी कागजों के तौर पर केवल डायरी या तो सिर्फ 10 या 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखावट की हुई फाइलें हैं। ऐसे कई सारे लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे लोगों ने कई बार श्री कुमार कानानी को प्रत्यक्ष मिलकर अपना दर्द बताया, जिसके चलते श्री कुमार कानानी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी जी एवं माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी को प्रत्यक्ष मिलकर
इसका हल निकालने के लिए गुजारिश की थी, जिसके तहत राज्य सरकार ने विधानसभा में नया कानून पास करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। अब गरीब और मध्यम वर्ग के हजारों परिवार, जिनके पास मकान तो खुद के थे पर उनकी मालिकी का कोई सरकारी कागज उनके पास नहीं था, उन सब परिवारों को अब अपने मकानों की मालिकी का हक मिलेगा। मुख्यमंत्री वात्सल्य कार्ड। हम सब जानते हैं कि जब कोई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों में किसी सभ्य को हृदय, किडनी, कैंसर, जलना और बाल रोग की गंभीर बीमारियां, उनमें से कोई बीमारी मालूम पड़ती है तो उनके परिवार पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि यह बीमारी का इलाज करने का खर्च काफी अधिक मात्रा में महंगा होने की वजह से कई लोग इसका इलाज नहीं करवा सकते थे, या तो इलाज करवा के आर्थिक बोझ के तले दब जाते थे, जिसमें से कई सालों तक बाहर नहीं निकल पाते थे। इस समस्या के निवारण के लिए गुजरात राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य कार्ड योजना को कार्यान्वित किया गया। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, उसके लिए श्री किशोर कानानी ने जन संवाद यात्रा के तहत इस योजना की जानकारी लोगों के घर घर तक पहुंचाई एवं उनके जनसंपर्क कार्यालय पर लोगों को इसका पूरा मार्गदर्शन दिया गया। किशोर कानानी ने उनके विस्तार के लोगों को मुख्यमंत्री वात्सल्य कार्ड बिना कोई परेशानी के आसानी से मिल सके, उसके लिए अपने मत क्षेत्र में कई जगहों पर तथा अपने निवास स्थान पर कैंप का आयोजन करके कई सारे लोगों को मुख्यमंत्री वात्सल्य कार्ड उपलब्ध करवाया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले। श्री किशोर कानानी ने वराछा रोड विस्तार का कोई भी प्रश्न हो उसे चोटदार तीव्रता और निडरता से सुलझाने का हमेशा प्रयास किया है। सूरत महानगर पालिका में म्युनिसिपल कमिश्नर श्री के साथ संकलन मीटिंग हो या सूरत कलेक्टर श्री के साथ, संकलन मीटिंग में बेझिझक सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचकर लोगों के प्रश्नों के निवारण हेतु ही निवेदन दिया और सारे प्रश्नों को जल्द से जल्द हल करने का हर प्रकार से प्रयास किया। ट्रैफिक समस्या का निवारण। हम सब जानते हैं कि वराछा रोड की सबसे बड़ी समस्या थी तो वह थी ट्रैफिक। लोग कई मिनटों और घंटों भर ट्रैफिक यातायात में फंसकर परेशान हो उठते थे। इस समस्या को सुलझाने हेतु श्री कुमार कानानी ने विधायक का चुनाव जीतने के बाद फौरन पुलिस कमिश्नर श्री को बार बार निवेदन किया। पुलिस कमिश्नर श्री की तरफ से कोई जवाब या ट्रैफिक की समस्या का समाधान न मिलने पर श्री कुमार कानानी ने विस्तार के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु खुद ही ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में रोड पर उतर आए और ट्रैफिक का नियमन किया, जिसमें सभी कार्यकर्ता और समाज के लोगों ने भी उनका साथ दिया। वराछा रोड पर ट्रैफिक की समस्या सुलझाने हेतु श्री कुमार कानानी ने पुलिस के साथ बातचीत कर 3 रास्ते 4 रास्ते बंद करके वहां पर यू टर्न को प्राधान्य दिया। कापोद्रा ब्रिज जो वन वे था उसे 2 वे करवाने के लिए बीच में जाली फिट करवाई। बरोड़ा अंडरपास जो बिन उपयोगी था उसे दूर करवा के वहां के रास्तों को चौड़ा किया गया और वहां के दबाव को दूर कर ट्रैफिक की समस्या को काफी हद तक सुलझा दिया। विधायक श्री किशोर कानानी ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री के साथ की बैठक में भी वराछा रोड की ट्रैफिक समस्या के विषय में विस्तार से अवगत कराया। सीमाड़ा नाका पर 3 साल से बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज का काम बहुत धीमी गति से चल रहा था, उस वजह से रोड की दोनों साइड पतरे की आड़ और ब्लॉक्स लगाई गई थीं, जिसके कारण रोड की दोनों साइड बहुत ट्रैफिक जाम होता था और लोगों को कई घंटे ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता था।
श्री कुमार कानानी ने लोगों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु म्युनिसिपल ऑफिस में कई बार रोड को खुला करने के लिए आवेदन देने के बाद भी कोई सफलता न मिलने पर स्वयं कुमार कानानी ने सभी कार्यकर्ता के साथ मिलकर सभी अवरोधों को दूर करके रास्ते को खुला किया, जिसके तहत लोगों को ट्रैफिक समस्या से मुक्ति मिली। श्री कुमार कानानी ने वराछा रोड की ट्रैफिक समस्या के निवारण हेतु लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए और ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक नियमन में सहकार मिले, इसके लिए बार बार ट्रैफिक जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें लोगों को ट्रैफिक व्यवस्थापन में सहयोग देने एवं ट्रैफिक नियमों का भंग न करने हेतु समझाया गया। BRTS बस की सुविधा। हम सब जानते हैं कि वराछा रोड विस्तार में डायमंड और टेक्सटाइल की कई सारी फैक्ट्रियां हैं, जिस वजह से इस उद्योग में लाखों की तादाद में काम करने वाले लोग अपने घर से काम के स्थल पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं होने की वजह से टू व्हीलर, रिक्शा या अन्य खानगी वाहनों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या एवं प्रदूषण की समस्या में काफी मात्रा में बढ़ोतरी होती थी। श्री किशोर कानानी ने इस विस्तार के लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए सूरत महानगर पालिका के कमिश्नर श्री को वराछा रोड विस्तार में BRTS की सुविधा फौरन देने के लिए आवेदन किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस विस्तार में आज BRTS की सुविधा शुरू की गई है और हजारों की तादाद में लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। धर्मनगर रोड पर बंद हाई टेंशन लाइन को निकाला गया। वराछा रोड विस्तार में धर्मनगर रोड पर बिजली की हाई टेंशन लाइन के टावर रोड के बीचों बीच लगे हुए थे, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या के निवारण हेतु श्री कुमार कानानी ने बिजली कंपनी में निवेदन दिया और उसे अवगत कराया, जिसके चलते बिजली कंपनी ने विधायक श्री कुमार कानानी के आवेदन पर नजर रखते हुए फौरन बंद बिजली की हाई टेंशन लाइन को दूर करने का फैसला लिया, जिसके चलते वराछा के धर्मनगर रोड पर बरसों पुराने रुकावट बने हुए हाई टेंशन टावरों को हटाकर उस रास्ते को ट्रैफिक मुक्त बनाया गया। वराछा रोड की सोसाइटियों की IC के रुपयों की बाकी राशि। शहरी जनों को दी जाने वाली प्राथमिक सुविधाओं के लिए IC के रुपयों की बाकी राशि प्रति सोसाइटी 30 से 80 लाख तक थी। इस रकम को इकट्ठा वसूलने के लिए सूरत जोन के द्वारा दृढ़ता रखी जाती थी और जो सोसाइटी इकट्ठे रकम की भरपाई नहीं करती थी, उस सोसाइटी को प्राथमिक सुविधा से वंचित रखा जाता था। श्री किशोर कानानी ने इस समस्या को स्थायी रूप से निपटाने हेतु सूरत महानगर पालिका के वराछा जोन ऑफिस की लॉबी के बाहर एक दिन बैठने का कार्यक्रम किया और मेयर श्री के समक्ष बड़ी उग्रता से प्रस्ताव रखा, जिसके कारण कमिश्नर श्री ने IC के फंड की बाकी रकम की कुल राशि को प्रति घर के हिसाब से अलग अलग बिल देने की व्यवस्था कर दी, जिससे लोगों को बड़ी सरलता से प्राथमिक सुविधाओं का लाभ मिला। वल्लभाचार्य रोड झोपड़पट्टी। वराछा रोड विस्तार में हीराबाग सर्कल से गौशाला सर्कल तक के वल्लभाचार्य रोड पर बहुत बड़े पैमाने पे गरीब लोग झोपड़पट्टी में रहते थे। यह विस्तार सूरत के सबसे गंदे विस्तार के तौर पर जाना जाता था। यहां झोपड़पट्टी में बस रहे गरीब लोगों को कोई भी प्राथमिक सुविधा नहीं मिल रही थी। उन गरीब लोगों के लिए श्री कुमार कानानी ने म्युनिसिपल कमिश्नर श्री से बातचीत करके सर्व सुविधा युक्त पक्के आवास दिलाकर यहां से हटवाने का काम किया। इसके बाद
यह विस्तार में BRTS कॉरिडोर बनवाने का काम किया और इस रोड को काफी चौड़ा किया गया। ऐसे सबसे गंदी गिनती में आने वाले रोड को श्री किशोर कानानी ने बेहद स्वच्छ और सुंदर बनाया। सरदार चौक मिनी बाजार में धरना। वराछा रोड के मिनी बाजार विस्तार में पानी और ड्रेनेज लाइन डालने हेतु कई जगहों पर सूरत महानगर पालिका द्वारा खुदाई का काम किया गया था। 2 महीनों से भी ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी यह काम पूर्ण नहीं हुआ था, जिस वजह से इस विस्तार में बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ने लगी थी और राहदारी एवं वाहन चालकों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया था, फिर भी काम पूर्ण नहीं हो रहा था। तब स्थानीय लोगों ने श्री कुमार कानानी को इस समस्या के बारे में बताया और फौरन इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए श्री कुमार कानानी सरदार की प्रतिमा के नीचे जब तक काम पूर्ण न हो तब तक बैठने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप पालिका ने फौरन रोड का काम शुरू किया और राहदारी एवं वाहन चालकों को इस समस्या से छुटकारा मिला। वराछा रोड पे भटकते हुए पशुओं की समस्या का निवारण। वराछा रोड के वल्लभाचार्य रोड पर काफी बड़ी मात्रा में पशुपालक अपने पशुओं के साथ बसे हुए थे, जिसके कारण यह विस्तार में पशुपालक अपने पशुओं को दिन में खुला छोड़ देते थे और वह पशु रोड पर बैठे रहने की वजह से यहाँ के स्थानिक लोगों को गंदगी की समस्या का तथा राहदारी एवं वाहन चालकों को बार बार अकस्मात का सामना करना पड़ता था। श्री कुमार कानानी ने इस समस्या को स्थायी रूप से दूर करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर श्री से कई बार बातचीत की और आवेदन भी दिया, जिसके कारण यहां बसे हुए पशुपालकों को सूरत शहर के बाहर कोसाड़ में अलग से रहने के लिए आवास और पशुओं के लिए अस्तबल की व्यवस्था करके यहां से वहां भेजा गया। इस प्रकार वल्लभाचार्य रोड के आजू बाजू के स्थानीय लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिला। वराछा रोड के कापोद्रा विस्तार की मटन मार्केट को बंद करवाया। वराछा रोड के कापोद्रा विस्तार में ममता पार्क के पीछे स्नेह मिलन सोसाइटी के पास अवैध तरीके से मांस मटन की 10 से 12 दुकानें चल रही थीं, जिस वजह से यहां के आसपास के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहां के स्थानीय निवासियों ने कई बार पालिका की ऑफिस में आवेदन दिया था, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने श्री कुमार कानानी को अपनी समस्या से अवगत कराया। इसके चलते श्री कुमार कानानी ने सूरत महानगर पालिका के कमिश्नर श्री के साथ की संकलन बैठक में इस मुद्दे को काफी उग्रता और गंभीरता के साथ उठाया, जिस वजह से कमिश्नर श्री ने फौरन अवैध रूप से चल रही मांस मटन की दुकानों को बंद करवाने का और तोड़ने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यहां के लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिला। पाटीदार अनामत आंदोलन। श्री किशोर कानानी सामान्य आदमी और समाज के कोई भी प्रश्नों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और जरूरत पड़ने पर वह अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर स्वयं लड़ने की भी तैयारी रखते हैं। श्री किशोर कानानी ने सूरत में हुए पाटीदार अनामत आंदोलन रैली में पाटीदार समाज की जो भी मांगे थीं उसका सहर्ष स्वीकार करके उसे सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। पाटीदार अनामत आंदोलन के वक्त हुए तूफानों के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों को काफी हद तक परेशान किया गया, जिसके चलते श्री कुमार कानानी ने गृह मंत्री श्री एवं पुलिस कमिश्नर श्री को आवेदन देकर अवगत कराया कि सबूत के तौर पर सिर्फ और सिर्फ इस तूफानी घटना के असली गुनहगारों और दोषियों को पकड़ा जाए
और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। निर्दोष जनता को बिल्कुल परेशान न किया जाए, इस बात की जागरूकता रखने के लिए अवगत कराया। इसके बावजूद जो पाटीदार युवक जेल में हैं, उन्हें जेल से मुक्त करवाने के लिए और आंदोलनकारियों से सीधी बातचीत करके इस गंभीर समस्या का त्वरित समाधान लाने के उद्देश्य से सरकार को पत्र द्वारा नम्र अनुरोध भी किया था। ऐसे तो और भी बहुत सारे अनगिनत कार्य हैं जो किशोर कानानी जल्द से जल्द पूरा करवाकर जनता को हरेक मुसीबत से छुटकारा दिलवाना चाहते हैं। लोगों की समस्याओं का तत्काल निवारण लाने में श्री किशोर कानानी को बेहद प्रशंसनीय कार्य कुशलता हासिल है। आप अपने धारा सभ्य पे भरोसा रखिए, वह आपके भरोसे पर खरे उतरने में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखेंगे और हमारे अपने विस्तार के विकास का जो सपना जनता और स्वयं कुमार कानानी ने देखा है वह निश्चय ही पूर्ण होगा। आम जनता की छोटी छोटी समस्याओं को स्थायी रूप से निपटाने के लिए सरकारी व्यवस्था के खिलाफ लाल आंख करने वाले, उनके साथ भिड़ जाने वाले और आक्रामकता से निवेदन देने वाले ऐसे जांबाज लोक प्रतिनिधि श्री कुमार कानानी को क्या हमें फिर से जिताना चाहिए या नहीं, ये हम सबको तय करना है। जय जय गर्वी गुजरात, जय जय भारत मात, वंदे मातरम, वंदे।